भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और गहरा गया है। लद्दाख के गलवानी घाटी में चीन की धोखेबाजी के बाद भारत चीन सीमा के सभी पोस्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा चीन से लगी भारत की सीमाओं वाले राज्यों और आईटीबीपी की सभी चौकियों पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी के जवानों ने चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए कई जगहों पर एलआरपी और एसआरपी की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही सीमा पर चीन की हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि भारत चीन सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी आईटीबीपी के जिम्मे है। गलवान में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद भारतीय सेना चीन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक हो रहे समझौतों की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। ना सिर्फ लद्दाख बल्कि एलएसी के दूसरे हिस्सों में भी सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। इस बीच भारतीय सेना की ओर से शहीद हुए 20 जवानों का नाम आज जारी किया जाएंगे। भारत चीन सीमा पर सभी पोस्टों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विवाद गहराता जा रहा है, बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, भारत चीन सीमा पर एलएसी के पास विवाद हुआ। इस विवाद में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। भारत चीन सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई है। भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हुए हैं। झड़प के बाद भारत ने सभी चौकियों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड फोनलाइन पर मौजूद हैं अनिल लोढ़ा जी। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार हालात सरहद पर तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं और बात बनती नजर नहीं आ रही है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है जी, और धोखा देने की उसकी जो परंपरा है जी, ये उसका प्रतिनिधित्व करती है जो परसों की घटना है जी। और उसने प्रवोक किया भारतीय सैनिकों को, किस तरह वो गोली चलाएं तो हमलावर कहलाए, दुनिया को बताया कि देखो हमारे सैनिक गोली से मारे गए भारत की, और खुद ने गोली नहीं चलाई, खुद ने केवल पत्थर और शरीर इनको इस्तेमाल किया जी। तो ये उसकी कोशिश ये थी कि किस तरह भारतीय जवान प्रवोक हो जाएं और प्रोवोकेशन में वो गोली चला बैठे हैं, तो चला बैठे हैं जी, तो भारत को हमलावर ठहरा सके दुनिया के आगे जी। वो तो भारत वालों ने संयम बरता, लेकिन जवाब भी दिया हाथों हाथ अपनी सैनिकों की मौत का, अपने कमांडर की मौत का। पर चीन कब कहां क्या कुछ कर बैठे कोई भरोसा नहीं किया सकता। अनप्रिडिक्टेबल कंट्री है जी, और उसकी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है उसमें, मानवीय मूल्यों के प्रति कोई आस्था नहीं है उसकी जी। जिसने अपने हजारों लड़कों को तियानमेन चौक में कुचल दिया डेमोक्रेसी की मांग करने वालों को, उसको क्या किस पर भरोसा करे जी। इस संकट भारत के सामने बहुत डिप्लोमेटिक मिशन चलाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने उसको एक तरह से नंगा करना पड़ेगा जी। उसकी जो सोच है, अप्रोच है, वे ऑफ वर्किंग है, विस्तारवादी प्रवृत्ति है, दुनिया जानती तो है, लेकिन इस केस में हमको फिर बताना पड़ेगा ताकि दुनिया का समर्थन बटोर के फिर हम कोई एक्शन लें जी। अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल रात को बहुत देर तक मीटिंग हुई जी, अमित शाह रुके, उन्होंने आरक्षित मंत्रणा की, अब रक्षा मंत्री कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बॉर्डर है लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक,
चीन का, और उसने नेपाल को हमारे खिलाफ खड़ा कर रखा है, पाकिस्तान की वो पीठ थपथपा रहा है, जी वो बड़ा मोर्चा खुल जाएगा अगर मोर्चा खुला तो, और वो युद्ध जैसा ही होगा, और भारत चीन का युद्ध अगर हुआ तो वो विश्व युद्ध में बदल सकता है। इसलिए जी दुनिया के सारे देश इसकी चिंता करेंगे, और बिल्कुल हमें भी चिंता करनी है कि हमारी संप्रभुता की रक्षा, हमारी अस्मिता की रक्षा, हमारे बॉर्डर की रक्षा, हमारे जवानों की रक्षा, ये सारे बिंदु हैं। जी सबकी नजर भारत सरकार पर टिकी है, प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है, वो क्या एक्शन लेते हैं और किस तरह चीन के साथ पेश आते हैं। जी जी भारत में 20 जवान शहीद हुए और सेना ने बयान जारी कर दिया, पूरी चीज मीडिया में खुलासा हो गया, लेकिन चीन की अभी तक क्या घटनाक्रम हुआ इस बात का खुलासा नहीं हुआ। क्या अंतर है भारतीय मीडिया में और चीन के मीडिया में? चीन का मीडिया तो कम्युनिस्ट पार्टी का मीडिया ही है, जी एक पार्टी का शासन है, वो तानाशाही है, वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है मीडिया की, प्रेस की आजादी नहीं है और लोकतांत्रिक वैल्यूज नहीं है, और वो एक बंद गुफा जैसा देश है। जी वहां से वही चीज बाहर आती है जिसको वो बाहर आने देना चाहते हैं, जी अदरवाइज वो नहीं जाएंगे तो कोई सूचना बाहर नहीं आएगी। चीन में सब मानते हैं कि जो आंकड़ा वो बता रहा है कोरोना से मृत्यु का, उसके कई गुना ज्यादा लोग मरे हैं, पर बिल्कुल किसी का कोई सबूत नहीं होता। जी इसलिए दुनिया जांच करना चाह रही थी, WHO जांच करना चाह रहा था, WHO की कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भारत के बन गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जी ये भी चीन को चुभ रहा होगा, वो उस जांच को भी रुकवाना चाह रहा होगा, बिल्कुल, तो वो एक्सपोज होने से बचना चाह रहा है और वो नई नई नौटंकी करके दुनिया का ध्यान दूसरी ओर खींचना चाह रहा है। जी यहां पर एक और सवाल है सर कि नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की स्वदेशी अपनाएं और भारत भारत में चीन बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, चीन अपना माल खपाता है, तो कहीं ना कहीं उसको ये आहट हुई होगी कि भारत में अब चीन का माल खपत नहीं होगा, तो उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है या नहीं इस बात को? नहीं तो कई बातें एक साथ हो गई है, कोरोना को लेके वो आइडेंटिफाई हो गया, जी दुनिया के सामने आइसोलेट हो गया, वहां से विदेशी निवेश निकलने की आशंका पैदा हो गई, तो भारत एक पीसफुल कंट्री है, जी यहाँ विदेशी निवेश आ जाएगा इसका डर लग रहा है उसको, और भारत जो एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट था चीन के उत्पादों का, जी वो बंद हो सकता है, इसलिए ये उसको दोहरी तेरी मार का डर है, तो वो एक नया मोर्चा खोल के ध्यान बांटना चाहता है और भारत को उलझाना चाहता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए किस प्रकार से सरहद पर तनाव है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, सेनाओं के अध्यक्षों के साथ में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है।